हमारी जिंदगी में हो रही होती हैं, बदशगुनियां, हर एक शय को बदशगुनी करार दिया जाता है और खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं वो इस चीज की ज्यादा उस पर जोर देते हैं, इसरार करते हैं कि ऐसा न किया जाए। तो कुरान और सुन्नत इस हवाले से क्या कहता है? बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखा कि जो कुफ्र तक भी पहुंच जाती हैं, कुछ तवहमात ऐसे भी हैं, वो इंशाल्लाह हम उलमाए किराम से जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जो यहां कुफ्र तक हमें पहुंचा देती हैं, हमें यकीनन उससे महफूज रहना चाहिए। मुफ्ती साहब, जिस तरह शाह साहब फरमा रहे थे कि शरी उसकी कुरान सुन्नत क्या कहते हैं, उसकी शरी तालीम क्या है, आप क्या कहते हैं? यह जैसे शाह साहब ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी लेने से मना फरमाया। ठीक। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले अरबों की आदत थी कि जब ये घर से बाहर निकलते थे तो या तो इन्होंने हिरन रखे होते थे, वो हिरन छोड़ देते थे। अगर वो सीधी जानब जाता तो ये कहते काम हो जाएगा, अगर उल्टी जानब जाता तो बोलते काम नहीं होगा। ये सीधी जानब जाता तो ये चले जाते थे काम पे, ये हो जाएगा, अच्छा है ये, और उल्टी जानब जाता तो बोलते काम नहीं होगा, वापस आ जाते थे। और सीधा जाता तो फिर उसमें फैसला करते, कुरानदाजी बाबूकत की जाती थी कि ये हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसी तरह वो परिंदे उड़ाते थे। ठीक। और इसी मतलब सीधे या उल्टे जाने जाने, सीधी जाने जाने से वो फाल निकालते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया। तो ये साहबी फरमाते हैं कि नबी करीम ने परिंदे उड़ाने से मना किया। तो ये सरकार के अमल से ये साबित है कि आपने बदशगुनी लेना मना फरमाया। किसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक हज़रत मुआविया बिन हकम रबी अल्लाह तआला से मरवी है कि उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह जमाने जाहिलियत में बदशगुनी लिया करते थे। सरकार ने फरमाया तो महज तुम्हारे दिल का ख्याल है, तुम इसके पीछे मत पड़ो। इसी तरह एक रिवायत में आता है वजह तो यह पता ही अरता फम भी, अगर तुम किसी चीज के बारे में बदशगुनी का शिकार हो जाओ तो उस काम को कर गुजरो, यानी उस पर अब तवज्जो ना करो, उस पर जम ना जाओ, बल्कि उसको कर गुजरने का हुक्म इरशाद फरमाया। इससे मालूम हुआ कि बदशगुनी, जैसे इशारा फरमाया हजरत ने कि जब इंसान बदशगुनी में मुब्तला होता है तो अल्लाह ताला की तरफ से तवक्कुल उसका हट जाता है और वो उन चीजों को ही मुआसिर हकीकी गुमान करने लग जाता है। नबी करीम कभी बात पसंद नहीं फरमाते कि अल्लाह की तरफ से तवज्जो हटके चीजों की तरफ इस तरह तवज्जो मरकूज हो जाए कि इंसान उसी को फाइल हकीकी या मुआसिर हकीकी तस्वर करने लग जाए। लिहाजा शरान बदफाली लेना, बदशगुनी लेना ये ममनू होगा और इससे इज्तिनाब लाजिम है। सही। कौन कोई घड़ता है बैठा हुआ, कोई कोई ऐसा ग्रुप बैठा रहता है हर दौर में, हर जमाने में, हर इलाके में कि जो इन चीजों को घड़ता रहता है? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़ा ग्रोह इसके पीछे काम कर रहा है, वो शैतानी ग्रोह होता है। असल में शैतान की तो हत्तल इम्कान कोशिश ही होती है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात और कलाम से इंसान का एतिमाद खत्म हो जाए। तो वो इसके लिए बराह रास्त भी हमला करता है कि हमारे कल्ब में वसाविस डालता है। आपने देखा होगा, बात बोलते हैं नहीं, जब भी कोई काम खराब होने लगता है ना तो मेरी इबायात फड़कने लग जाती है, जिसको सिक्स्थ सेंस से वो ताबीर कर देता है, मेरी छठी बड़ी काम कर रही है। सही। लेकिन बाद इसी तरह की अगर हाथ में खुजली होगी ना, पैसा आएगा, पैसा आएगा, तो उसने अपने खुद साख्तावास चीजें बराह रास्त कल्ब में डालने की वजह से पैदा कर ली होती है। कभी ऐसा होता है कि शैतान किसी को वसवसा डालकर उस पर एक बात पर जो वहमी बात होती है पुख्ता यकीन दिलाकर तरगीब देता है कि अब तुम इस बात को दूसरों तक पहुंचाओ और दूसरों को भी इसको यकीन दिलाओ और उनको भी इस पर आमिल बनाओ तो तेरी कामयाबी है। सही। तो वो दस को बिठा के दलाइल से कायल कर, मैं चाहूंगा कि पर्टिकुलरली हम एक एक केस, अब कौन वो सियाने कहते हैं ये बात सियानों ने कही है, वो कौन से सियाने हैं, वो जो बुजुर्ग मुफ्ती साहब ने तो कहा वो शैतान है और वो घड़ी जा रही है, एक पर्टिकुलर अगर हम किसी चीज पर आते हैं। एक साहब कहने लगे कि मैं घर बना रहा था तो ऊपर कमरा बनाया, एक साहब बहुत ही सयाने हैं, उन्होंने कहा कि खिड़की इस पे रखो, जब इसको बंद करोगे तो हवा नहीं आएगी, खोलोगे तो आएगी। तो मैंने खिड़की रखी, मैं जब उसको खोलता हूं तो वाकई हवा आती है। ऐसे भी सयाने हैं, क्या कहें? देखिए, जो चीज मुशाहदे के अंदर मौजूद है और जिसके असरात सामने मुरतब होते हैं और वो तवातुर जुबानी साबित है और उसमें अहले जमाने का कभी इख्तलाफ नहीं रहा, तो अकलमंद आदमी जब जिंदगी गुजारता है तो यकीनन रहन सहन अखलाकियात के एतबार से इन तमाम चीजों को देखता है। सही। इस्लाम के अगर आप बुनियादी बातों को देखें कि तबलीग के हवाले से, तो चाहे मनासिक हज हो या दीगर और अखलाकियात की चीजें हों, इस्लाम जब किसी माशरे के ऊपर अपनी तालीम को लाता है तो उस माशरे को यकसर नजरअंदाज नहीं करता, बल्कि उस माशरे के अंदर जो बातें इस्लाम के मिजाज के मुताबिक होती है
उसको वो जिक्र नहीं करता और जो उसके मिजाज के खिलाफ होती है उसको डायरेक्ट टारगेट करके उसके अंदर जो है कि वो जो खराबियां सुकुम बयान करता है, तो जो खराबियां होती है उसको तो बिल्कुल आवेजा कर दिया जाता है, और जिसको सरे से जिक्र ही नहीं किया जाता वो खुद इस्लाम के मिजाज के मुताबिक होती है, तो उसको गोया के और ये और उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है जो इंसान की तबी नेचर है और जो मुशाहदात है जिसको देखकर बंदे को इल्म यकीनी हासिल हो जाता है। तो जिस तरह की आपने ये खिड़की और हवा वाली मिसाल दी, तो यकीनन इसको बंद कर देना तो हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तो हवा तो लेना तो उम्मीद है ना, नफा है। तो अगर आप उसको फाल के माने में भी ले जाए, नहीं जाता वैसे वो लेकिन ले जाए, तो हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि अच्छी उम्मीद लेना, अच्छा नतीजा लेना शरीयत मुताहरा ने इसको जायज रखा है। वो तो सैयद आलम ने फरमाया कि बुरी कोई चीज नहीं, बुरा मामला हो गया कि उसके ऊपर आप जो मरतब कर रहे हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाउमीदी का पहलू पैदा करता है और इंसान के बातिन को और उसकी फिक्र को और उसकी रूहानियत को खराब करता है। तो अगर कोई खैर का पहलू लिया जा रहा है और खैर का पहलू वो जो तालीमात मुस्तफवी शरीयत से मुतसादिम नहीं हो रहा है, तो शरण उसमें कोई हर्ज नहीं होता। शाह साहब, इस्लाम में नहुसत का क्या तसव्वुर है? लेकिन नहुसत की तो मुतलकन जो है कि वो नफी सैयद आलम ने फरमाई है, जो हदीस पाक अभी बार बार पढ़ी जा रही थी आपके सामने, वो यही थी कि सैयद आलम ने फरमाया कि ला अदवा, कि कोई मर्ज मुतअद्दी नहीं कि वो उड़कर लग जाए, कि आप किसी के करीब जाकर बैठे और उड़कर आपके पास लग गया। और फिर सैयद आलम ने फरमाया वला तुयरा, और ना कोई बदशुगनी और इस किस्म की कोई चीज है, सिर्फ उसमें यह है कि जिस तरह के नेक फाल ले ली जाए किसी चीज के साथ। फिर आपने दरमियान में यह सवाल किया था कि अगर किसी का यही नजरिया बन गया तो क्या है, फिर तो उसके बारे में हमारे जईद उलमा ने इसी चीज को जिक्र किया है और उसकी तबीयत और उसके मामलात के एतबार से कि अगर उसके अकीदे के बिगड़ जाने का खौफ हो, यानी एक बरस वाला है, सैयद आलम ने तो ये फरमा दिया कि जनाब जो है कि वो ला अदवा, कि मर्ज तो मुतअद्दी नहीं होगा, कि उड़कर नहीं लगेगा, लेकिन अगर उसके करीब जाकर बैठ गया और वो, क्योंकि मर्ज बजाते खुद तो नहीं लगता, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से लगता है। जैसे सैयद आलम से पूछा गया कि वो ऊंट को खारिश हो गई और ये अब वो दूसरे ऊंट के अंदर मुंतकिल हो गई, तो ये इस ऊंट की वजह से हुई, तो सैयद आलम ने फरमाया कि ये फिर पहले ऊंट को किसने लगाई थी, तो ये उसमें दरअसल तकदीर से फरार है, और जो चीज तकदीर से फरार पैदा करती है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से नाउमीदी और बंदे के ईमान के, ये बहुत खतरनाक चीज मुफ्ती भी फरमा रहे थे, ये शैतान का वो आजम है कि मुकम्मल तौर पर ईमान बंदे के दिल से खींचता हुआ निकल जाता है। लेकिन मेडिकल साइंस तो कहती है कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो, देखिए उसमें उलमा ने यह तरमीम फरमाई, एक तो वो है कि जो साथ में जाकर बैठ गया और उसके अकीदे के खराब होने का खौफ है, तो उसको एहतियात ही की दावत दी जाएगी, लेकिन साथ में ये उलमा ने जिक्र किया है कि वो मर्ज जो है उसमें यह सलाहियत नहीं कि वो उड़कर आप पर लग रहा है, यानी वो मौसर हकीकी नहीं कि वो लग रहा है, वरना आप देखिए कि बहुत से मरीज करीब बैठे होते हैं, उसके रिश्तेदार अजीज अकारीब उसके साथ होते हैं, तो जनाब ये कि वो मर्ज सारे लोग बीमार नहीं हो जाते, लेकिन जो साइंस जिस को मुतअद्दी कह रही है, तो उसमें उलमा ने तरमीम की है कि अगर उसके कोई जरासीम अगर वो फिजा में उड़ते हैं और उसके जरिए वो चीज मुरतब हो जाती है, तो वो भी यानी तकदीर ही के तहत थी, यानी एक तकदीर से हटकर दूसरी तकदीर की तरफ जाना, यानी मर्ज को फाइल हकीकी ना समझा जाए। सही सही कहने का मकसद। ठीक फरमाया नहुसत के हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, एक फरमान हमें और भी मिलता है कि तीन चीजों में नहुसत है, वो औरत है, सवारी है और मकान है, इससे फिर क्या मुराद हुई? यहां ये मुस्लिम की रिवायत है और एक रिवायत में खादिम का लफ्ज भी आया मकान की जगह के औरत में, घोड़े में और खादिम में नहुसत है, लेकिन यहां नहुसत का वो तस्वीर नहीं है जो हमारे मुआशरे में आम है, कि मतलब किसी की शक्ल देख ली तो जरूर मनफी असर मुरतब होगा, औरत अगर है तो जरूर कोई मनफी असरात लेकर आएगी, बल्कि यहां ये बयान फरमाया ये चूंकि देखें जब भी कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हैं तो यकीनी सी बात है कि उस माहौल के पेश नजर ही कलाम फरमाएंगे, तो जो जाहिल अरब थे वो औरत के अंदर नहुसत को तस्लीम करते थे, इस तरह मकान के अंदर, इसी तरह घोड़ों के अंदर नहुसत को तस्लीम किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज नहुसत उनकी तबीयत के मुआफिक बयान फरमाया, लेकिन मुराद इससे बुराई ली है कि औरत में भी बुराई हो सकती है, मकान में बुराई हो सकती है और घोड़े में बुराई हो सकती है। औरत की बुराई ये बयान की गई, शरह जो अल्लामा नवावी रहमतुल्लाह ने बयान फरमाई कि औरत की बुराई ये है कि वो बद अखलाक हो, बद किरदार हो, घोड़े की बुराई ये है कि सुस्त रफ्तार हो, जंग में साथ ना दे,
इसी तरीके से मकान की बुराई का मतलब यह है कि पड़ोसी बुरा हो, तो यहां पर वो नहुसत बयान करना मकसूद नहीं बल्कि बुराई की तरफ इशारा करना मकसूद है। तो इन तीन चीजों में अक्सर बुराई होती है और ये बुराई ज्यादा असरअंदाज होती है। ठीक है, इंसान का ज्यादा ताल्लुक ज़ौजा से औरत से भी होता है, मकान से भी होता है, और इसके अलावा उस जमाने में चूंकि घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल था इसलिए नबी करीम ने नहुसत बमाने बुराई ली है। तो वो हम नहुसत के तस्वर हम नहीं ले सकते जो हमारे मुआशरे में राइज है।